मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। पार्टी के जो संस्कार हैं हमें भी उनके उन्हीं के हिसाब से जो है वो चलना पड़ता है। जो मंडी में अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आती हूँ तो नेचुरली मैं पार्लियामेंट में यहाँ का जो पक्ष है वो रखूँगी, और जो मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। बाकी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अगर कल को मुझे और कोई रोल मिलता है, कोई मिनिस्ट्री मिलती है या किसी तरह का कोई और रोल मिलता है जो कि पूरे नेशनल लेवल पे हो, तब हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ मंडी की ही और उसके भी विकास की बात की जा सकती है। प्रोजेक्ट्स तो मेरे बहुत सारे अभी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इमरजेंसी आने को है मेरी फिल्म, और एक मैं माधवन जी के साथ एक फिल्म शूट करके अभी उसको छोड़ के आई हूँ जो कि मुझे रिज्यूम करनी है। उसके अलावा जो है मैंने जो 3-4 फिल्म्स हैं मेरी वो साइन की हुई है, चाहे सीता जो है उनकी ट्रिलॉजी है, या उसको इनको क्या कहते नोटी बिनोदनी करके जो बायोपिक है, उस तरह से है मेरी काफ़ी फिल्में। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि ये रोल मेरे लिए ये भी महत्वपूर्ण है। सेब के जो बागवान हैं उनके डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजेस हैं, और हर जगह के अपने अपने अलग अलग हैं। कहीं कहीं उनको स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज चाहिए, कहीं कहीं उनको जो है कोई चाहता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा हो, और भी उनके जो हैं वो चैलेंजेस हैं, सेब के जो है रेट बढ़े, ऑल दैट, तो वो तो खैर अब प्रशासन के साथ बैठकर ही करने वाली बात है। एक तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि एक प्रत्याशी होकर ये मेरा रोल नहीं है कि मैं अभी अनाउंसमेंट्स करूँ, और ऊपर से हमें एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी आए होते हैं कि आपने जो है कोई भी कमिटमेंट्स अपने हिसाब से नहीं करने हैं, क्योंकि बड़े ही नेचुरली देर आर ऑल वेरी डिटेल्ड थिंग्स, और हमारी जो खासकर जो हमारी पार्टी है उसमें जो मोदी की जो गारंटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ली जाती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता बाकी पार्टीज़ के ऐसे प्रोटोकॉल्स होती हैं, हमारी बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है, ऐसा नहीं कुछ भी अंटसंट बोलते जा रहे चुनाव जीतने के लिए, नहीं, आप अपना चाहे दो ही बातें बोलिए लेकिन कुछ भी मत बोलिए। अब जैसे उन्होंने इतने सारे गैस कनेक्शन दिए, टॉयलेट्स बनाए, आयुष्मान, उन्होंने थोड़ा ना ये प्रॉमिस करके चुनाव जीते हुए हैं, ये बाद में आई हुई योजनाएं हैं। तो आप देखिए जो एक जो एथिक्स हैं, तो पार्टी के जो संस्कार हैं, हमें भी उनके उन्हीं के हिसाब से जो है वो चलना पड़ता है।